अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा के किचन में वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले जी, ताकि मज़ेदार सी रेसिपी आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार है। घर के खाने जो हम उमूमन अपने घरों में बनाते हैं उसे ही इतने टेस्टी बनाए जाए कि आपको बेहद पसंद आएंगे। ठीक है, चलें जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर। आज मैंने सोचा क्यों ना आज हम काले छोलों की बिरयानी बनाएं, क्योंकि उमूमन हम चिकन बीफ मटन वाइट छोलों की बनाते हैं, इसकी नहीं बनाते। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज इन छोले की बनाई जाए। तो इसको मैंने भिगो कर रख दिया था, ठीक है, सुबह से भिगो कर रखा। फिर इसे मैंने बॉईल कर लिया, ये बॉईल भी हो चुके हैं शॉर्ट टाइम की वजह से, इसको इतना नहीं दिखा सकते थे, अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप राइस चावल, ये भी मैंने भिगो कर रख दिया है। इसका पानी हमने फेंक लूँगी जब मैं इसे करूँगी। और एक प्यारी है, मैंने इसे भी भिगो कर उबाल कर काले चने रख दिए हैं। और इसमें मैं आलू भी रख, छोले आलू की बिरयानी बहुत ही मज़े की डिफरेंट स्टाइल में मेरे लिए जी। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है और ये ग्रीन चिली को क्रश कर लिया, ठीक है, 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून पीनट को लिया है। और ये मैंने प्याज तल के जो रखी है इसको लिया, आधी प्याली प्याज, ठीक है। साबित गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, 2-3 छोटे तेज़ पात, एक ये दालचीनी की छोटी थी तो इसलिए मैंने ये ले ली, वरना ये एक ही बड़ी सी होती है, ये 4 छोटी छोटी सी हैं तो ये एक भी ले सकते हैं बड़ी सी। और 4-5 मैंने वो लिया है, 4 लिए लौंग और ब्लैक वो है ब्लैक ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा और ये ब्लैक ज़ीरा, ये भी ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया, ठीक है। और इसमें अब ये मसाले में डालूँगी 1 टीस्पून एंड हाफ़ टीस्पून। बिरयानी है, 2 कप चावल हैं तो उसके हिसाब से राइस भी ज़ाहिर है नमक चाहिए होगा, तो 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसमें मैंने साबित मसाले में ब्लैक पेपर नहीं लिया था इसलिए कि वो मुँह में आता है, तो वो इसलिए मैंने ये कुटा हुआ लिया है। और 1/2 टीस्पून हल्दी ली, 1/2 से थोड़ी सी भी कम। और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, ये साबित धनिया भुना हुआ है कुटा हुआ है, ये भी 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, अच्छा साबित धनिया भी लिया और धनिया पाउडर। और ये मैंने टाट की ली है, ये 1/4, ठीक है, 1/4 टीस्पून। अच्छा आलू मैंने 2 लिए हैं, हर सबको पसंद नहीं होते हैं, आपने अगर जिसे पसंद नहीं है नहीं डालना चाहते वो नहीं डाले, आपसे इसके लिए बना सकते हैं, लेकिन हमारे मुझे पसंद है, मेरी बेटी को पसंद है और थोड़ी तो पसंद है तो हम ये डालते हैं। इसके लिए तो मैंने 2 से 3 आलू बुखारे भी डाल दी हैं, इसके टेस्ट अच्छा आएगा। सॉरी 2 से 3 स्पून मैं आलू बुखारे डालूँगी, 1 ग्रीन चिली को कट कर लिया है, लेमन जूस भी डाल दिया है, ये हरा धनिया और पुदीना मैंने धोकर इसी तरीके से इसे कट करके रख दिया है, थोड़ा इसका भी आसान रहेगा। ये मैंने दिया है केवड़ा, अच्छा पानी में नहीं किया इसे, मैंने केवड़ा 2 टेबल स्पून केवड़ा लेकर उसमें 1 टीस्पून जर्दा पाउडर, जर्दे का रंग जो होता है वो डाल दिया ताकि उसको बना सकें, ठीक है। और सबसे ये टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना टमाटो को ग्राइंड करके आप, मैंने 3 टमाटर लिए थे, बहुत बड़े नहीं थे, फिर मैंने सर इसके डालूँगी। और ये ऑयल एज रिक्वायर्ड, तो ये मैं 1/2 कप ऑयल डालूँगी। और इसके लिए ये पैन लिया है, चले जी शुरू करते हैं। बहुत ही आप जब सब चीज़ें कर लेते हैं डन, बहुत अच्छी रेसिपी होती है। असल में जो होता है वो होता है आपका मसालों को, सारे सामान को इकट्ठा करना,
वो आपने सब कर लिया था, वो भी आराम से बन जाएंगे, इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसमें आधा का ऑयल डालूँगी। अगर आपके पास तली हुई प्याज आप बना के नहीं रखते या पहले से बना के तल के निकाल लें, मैं तो आप सिर्फ इसमें भी तल कर उसे यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डालें और फिर तली हुई प्याज को कट करके डाल दें, फिर ब्राउन होने पे फिर आप चीज़ें डालें। ठीक है, ये मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया। चलेंगे, ये देखो ऑयल हीट पर आ गया है, हीटअप हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मैंने साबुत गरम मसाला सौते करेंगे हम। इसके साथ ही मैं ये आलू भी डाल रही हूँ। एक्चुअली आलू ये आलू भी खराब है तो आलू थोड़े से तल भी जाएंगे। ठीक है, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा हो जाता है आलू ना, चाहे बार पता है ना कि कभी कभार मैं आलू को अलग से फ्राई करके भी डालती हूँ बिरयानी में, जैसे कि कलर लगा के फिर उसे फिर बहुत जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं वो डाल देती हूँ, तो वो अलग होता है। इसमें मैं इसलिए डाल रही हूँ कि आलू में भी टेस्ट चला जाएगा हर चीज़ का मसालों का, और ये बहुत अच्छे फ्राई भी हो जाएंगे जैसे। और गला लेंगे, और अब मैं इसमें ये पीजी से जीरा डाल देता हूँ। जीरा ये आलूओं में जा सकते हैं, जो कैसे भरा हुआ आलू है ना, तो उसको ना फीके फीके लगते हैं खाने में, उसके अंदर टेस्ट नहीं होता। मैं जो है आपको आलू के अंदर टेस्ट डालते हैं, चीनी पेस्ट आलू का खाएंगे ना, सबको फिर पसंद आएंगे। असल में एक्चुअली आलू ठीक से कैसे हो जाते हैं ना, मैं टेस्ट नहीं आता तो वो चीज़ें डालती हूँ। आना शुरू हो चुकी है, भून लिया इसी तरीके से। चलिए जी, ये भून चुका है। अब मैं ये सारे मसाले और साथ ही मैं इसके टमाटो प्यूरी डाल दूँगी इसी में फिर इसमें मसाले को। अच्छा, इसमें मैंने ये जो टमाटो ही रखा था थोड़ा सा टेबल स्पून डालूँगी और इसे एकदम से मैंने उठाया थोड़ा सा साफ इसको मैं दे रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें मैं
आधा आधा पानी डालकर थोड़ी देर डालकर आलू जो है वो गल जाए बिल्कुल लो पर, ठीक है। चने छोले तो हमारे पास ऑलरेडी बॉयल हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये चेक करेंगे आलू की कंडीशन। अब मैं इसमें डालूंगी छोले, इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इसके अंदर भी मसाला और, ठीक है। इसमें अब मैं ये डाल दूंगी आलू बुखारे, ग्रीन चिली डाल दूंगी, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना, थोड़ा से कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट। अब हमने ये निकाल दिया अच्छी तरीके से, हो गया है। अपने उसमें नीचे लेमन लिया था मैंने, खजूर निकाल दिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1 कप। चलिए जी, अब हम देखते हैं 3 मिनट हमने दम पे दे दिया था इसे, अब रेडी है। तो मसालेदार का टेस्ट इतना अच्छा होगा, सब खा लेंगे। आलू भी देखें प्रॉपर गल चुके हैं, टूट गए जी। मैं इसे शाउट कर दूँगी कि मुझे तो लग गई इतनी भूख, ऐसे खाने मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने ये सैलेड भी बनाया है, बस जिसने रायते के साथ खाना है, रायते के साथ पूरे राइस ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी ये पोटैटो, बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर लास्ट में कह रही हूँ ज़रूर करें, मेरी अच्छी अच्छी सी वीडियोस रेसिपीज़ आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला, सबको आपके खाने पसंद आएंगे। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।